उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टेम्पो की टक्कर लगने से साइकिल सवार मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने हरदोई पलिया हाईवे पर जाम लगा दिया। वही टेम्पो चालक को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। सर, आरसी मिशन में एक टेम्पो की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, क्या कुछ प्रकरण था? सर, आरसी मिशन के चक्कर वाले गांव के सामने जो है रोड पर एक टेम्पो से टक्कर हुई थी, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में आरसी मिशन थाने में युवक पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की गई। ये सुबह करीब 8:35 के दरमियान जो है एक संजीव नाम का व्यक्ति आया था, 25 साल जिसकी उम्र थी, खुशी राम इनके पिताजी का नाम है, चकपरमाली थाना रामचंद्र मिशन का ये रहने वाले हैं और ये यहाँ पर जो है मृत अवस्था में लाए गए। जो उस समय डॉक्टर साहब थे उन्होंने इसका परीक्षण करा और उसके बाद मृत अवस्था में इसको घोषित करा और इसको जो है वहाँ पर मॉर्चरी के अंदर रखा गया, शव को पोस्टमार्टम के बाद में उसका बताया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन के शिक्षकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। शिक्षकों ने पिछले कई सालों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने से आक्रोशित होकर धरना दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षक के शिक्षणेतर संघ ने आज ज्ञापन दिया है और इसमें कुछ मांगे जो है उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, डायरेक्टर से संबंधित है, उनकी मांगों को जो है ऊपर जो है प्रेषित कर दिया जाए। कुछ मांगे लोकल हमारे स्तर पर है, उसका हम लोग निराकरण कराएंगे। किस तरह का धरना था यहाँ? आज प्रांतीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संगठन की जो भी जायज मांगे हैं उस पर वर्तमान सरकार, विभागीय अधिकारी, तमाम वेतनमान की विसंगतियां हैं, इस पर उपेक्षात्मक पूर्वक व्यवहार कर रही हैं। शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं पर जरा सा भी ध्यान इस सरकार का और विभागीय अधिकारियों का नहीं, इसलिए प्रांतीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि अब हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन की इस पहली कड़ी में आज पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में जिलाध्यक्ष और जिला मंत्री जिला के नेतृत्व में सभी हमारे शिक्षणेतर साथी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से अपना 11 सूत्री मांग पत्र उनको जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करेंगे और जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं, जो विभागीय अधिकारी समस्याओं पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, यहाँ की समस्या भी हम जाने हैं कि वही हाल है कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। इस तरह का यहाँ अधिकारी और कर्मचारी मिल करके कर्मचारियों और अध्यापकों का शोषण कर रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आंदोलन के पहले चक्र में हम लोग आज जो है पूरे प्रदेश में धरनारत हैं। इसके बाद 28 तारीख को प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा, उसका मंडल कार्यालय हम लोग घेरेंगे और तीसरे और अंतिम पड़ाव में विधानसभा का घेराव करके अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और अगर सरकार हमारी बातें लोकतांत्रिक रूप से करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो हम लोकतांत्रिक रूप से सड़कों पर उतर करके रास्ता जाम करेंगे, सड़क को घेरेंगे, सरकार के पास जितने भी लाठी गोली की ताकत है हम पर बरसाए, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर के उनके समक्ष रखेंगे और तब तक वापस नहीं होंगे जब तक हमारी जायज मांगे सरकार पूरी नहीं कर देने। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं आशुतोष तिवारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ। यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं जहां एसएसपी ने बीजेपी नेता का चालान कर दिया। दरअसल पुलिस एसएसपी अमित पाठक के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस बीच भाजपा कटघर मंडल के अध्यक्ष अरविंद सिंह वहां से निकल रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक कर उनकी बाइक की चाबी निकाल ली। बिना कुछ सोचे समझे भाजपा नेता ने पुलिस को गालियां देनी शुरू कर दी। सामने खड़े एसएसपी अमित पाठक ने वर्दी पर गालियां बरसते देख पहले तो भाजपा नेता का बिना हेलमेट का चालान किया और उसके बाद मीडिया से गालियां देते हुए का वीडियो लेकर भाजपा नेता के खिलाफ अभद्रता करने का मामला दर्ज करने के आदेश दिए। मेरठ में एक पत्नी ने घर चलने से इनकार किया तो गुस्साए पति ने अपनी साली के बेटे का अपहरण कर लिया। 1 साल के मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद अब पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए, एक बच्चा हस्तनापुर से 1 वर्ष का था, वो उसकी किडनैपिंग हुई थी, उसका मुकदमा थाने पर पंजीकृत था
हस्तनापुर की टीम ने जो है बच्चे को शवसल बरामद कर लिया, उसमें जो अभियुक्त है निशार उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले किस बात को लेकर सामने, अब डिटेल उससे अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में भाग्यो संगठन ने एसडीएम और एडीएम सिटी को बिजली बिलों का लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन भानु के रामपुर के जिला अध्यक्ष सलीम पाशा ने अधिकारियों को चुनौती देकर सुधरने की बात कही। आप संगठन के जिला अध्यक्ष हैं रामपुर के, यहाँ आज बिलासपुर में आए हैं, क्या समस्याएं हैं आपके किसान संगठन यूनियन की? यहाँ बिलासपुर हम पहली बार आए हैं, इन लोगों की जो परेशानियाँ हैं ये आज हमारे सामने आई हैं और मैं उन सारे अधिकारियों को ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो इनकी शिकायतें हैं अगर वो कम टाइम में पूरी नहीं करी गई तो वो सारे अधिकारी रामपुर पूर्व सीओ आले हसन खान को देख के सबक ले लें, वरना हर अधिकारी का हाल वही होगा जो आज आले हसन का है। क्या कहना चाहेंगे जो जनता है यहाँ की? अब जनता से ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं डरें, अगर कोई जास्ती हो रही है तो हमें बताएं, डंडे लेके जाएं मारें, अगर ये इनके साथ जास्ती हो रही है तो सीधा डंडा पकड़ें जी, कोई रियायत ना करें। धरना लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ। ये धरने का रीजन जो था वो ये था कि अभी हमारे यहाँ पे एक राशन कार्ड बैठे थे जी, उस राशन कार्ड में अवैध वसूली की गई, किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी से 50 रुपये लिए गए। हमने उसकी वीडियो भी बनाई, हमने क्या कहते हैं उन्हें इंस्पेक्टर साहब को भी, अपने जो तहसील में बैठते हैं इंस्पेक्टर साहब उन्हें मैंने दी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। एसडीएम साहब को भी मैंने क्या कहते हैं इसकी व्हाट्सएप किया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और उसका वो जो है हमारे यहाँ पर राशन जो दे रहा है वो सब अपने अपने को देता, बाकी हमारे यहाँ किसी को राशन टाइम से नहीं मिलता। पहला क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि ये इसके ऊपर क्या कहते हैं इसका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसे जो है इसका वो करा जाए, अगर गलत है तो इसका क्या कहते हैं वो सही है तो इसका इसके ऊपर कोई कार्रवाई करिए। अपने संगठन के माध्यम से लोगों को और जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या मदद संगठन द्वारा गरीबों को करेंगे? संगठन द्वारा यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि बिजली हमारे यहाँ पे बिल्कुल 24 घंटे में 4-5 घंटे मुश्किल से आ रही है और जाने के बाद में गलत बिल्कुल क्या कह देंगे वो जो अभी FIR हुई है, किसी पे 1 लाख, किसी पे 2 लाख, किसी पे 1.5 लाख रुपये पड़ेंगे। कल हम गए थे हमारे चाचा हंगे, ये इन पर 50,000 रुपये पड़े, इनका कुछ वो नहीं था, ये हंगे इनके साथ में कुछ वो ऐसा कुछ नहीं था, किसी पे क्या कहते हैं एक पे भी 1,44,000 रुपये पड़े। दोबारा हम गए तो बोले अब 1,49,000 रुपये, 5,000 और बढ़ गए। संगठन के माध्यम से क्या बिजली विभाग द्वारा कहना चाहेंगे? ये है कि इसका बिल जो है इसका बिल कम किया जाए और लाइट हमें लाइट चाहिए और ये यहाँ के जो अधिकारी होंगे वो हमें अधिकारी यहाँ के पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम किसी की नहीं सुनते, हम किसी की। चलिए ठीक है।